दिस इज दीपी शर्मा योर बायोलॉजी टीचर एंड टुडे वी आर हियर विद अ वेरी क्विक टॉपिक है ना विच इज नोन एज डिक्टियोसोम्स वर्सेस गॉल्गी अपैरेटस. सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इसमें कोई डिफरेंस होता भी है और अगर होता है तो वो डिफरेंस क्या है. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट देयर इज नो डिफरेंस. एक्चुअली इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं तो फिर दो अलग अलग नाम क्यों. These are two different names given to the same organelle. ये आपका क्या है, दो अलग अलग नाम हैं जो एक ही organelle को दिए गए हैं. Organelle. Organelle समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेल जो है वो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं. पर सेल किससे बना हुआ है, सेल छोटे छोटे और सब सेलुलर कॉम्पोनेंट से बना होता है जो सेल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करते हैं और उन छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स को हम बोलते हैं organelle. तो इसी तरीके की एक ऑर्गेनली को ये दो अलग अलग नाम दिए गए हैं. बात यह है कि अगर ऑर्गेनली एक ही है तो दो नाम क्यों, why? आंसर इज गॉल्गी अपैरेटस इट इज द नेम गिवन अर्लियर टू एन ऑर्गेनली इन एनिमल्स. यानी ये जो एनिमल्स के अंदर मिलती थी, एनिमल्स के अंदर मिलती थी यानी एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती थी, राइट. पर बाद में वही ऑर्गेनली जब प्लांट्स के अंदर पाई गई तो उसको हमने नाम दे दिया डिक्टियोसोम्स.